शामल गोरे गोरे जुड़िया जान है सबसे सुंदर भगवान श्री राम को माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, लेकिन अगर उनके रंग की बात करें तो वो सांवले रंग के थे और सीता जी राधा जी गोरी थी, लेकिन फिर भी दोनों की जोड़ी इतनी खूबसूरत है, सांवले की गोरी। और कहा जाता है अक्सर कि सांवले को गोरी दुल्हन मिलती है या फिर जो सांवली लड़की है उसको गोरा दुल्हा मिलता है, अक्सर ऐसा होता है, बहुत रेयरली होता है कि दोनों का रंग समान हो। और राम जी बड़े प्यारे सुंदर से श्याम श्याम गोरे श्याम गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अब याना ते तुम सुन ली गान है, कि जोगे जोगे जी जोड़े में मिसाल सखिया रे, जोगे जोगे जी जोड़े में मिसाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, बाकी बिहारी लाल की। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दबा राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दबा कि लोग लक्ष्मण जी बेचारे पकड़ाते हैं और कहा जाता है कि अगर पूरे भारत में पूरे विश्व में बात करें तो राम जी को गाली देने का हक सिर्फ मिथिला वालों को है, क्योंकि वहां पे राम जी का ससुराल है और राम जी जब ससुराल में गए तो गालियों से बौछार करके उनकी स्वागत की गई। तो सबसे पहले गुस्से वाले लक्ष्मण जी, तोहरा से पूछो ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछू मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछू मैं ओ धनुषधारी, एक भाई और काहे, एक भाई और काहे, एक काहे कारी बता दबा। अब लक्ष्मण जी तो गुस्से में लाए, अब रंग की बात आ गई कि एक भाई गोर का है एक काहे कारी, लेकिन क्या कर सकते थे, भाई की शादी उनकी भी शादी, बेचारे चुप है। अरे एक भाई गोर काहे तो एक काहे कारी बता दो बबुआ, एक भाई गोर काहे एक काहे कारी बता दो बबुआ, के लोग मते काहे कारी बता दो बबुआ, बारी आई राजा दशरथ की। भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा और उनके बाप को भी नहीं छोड़ा। सोच लीजिए मिथिला वालों में कितनी ताकत होती है, जो परम पिता परमात्मा है, परमेश्वर है, विष्णु का अवतार श्री राम जी, उनके पिताजी को भी नहीं छोड़ा गया क्या? अरे राजा दशरथ जी कैला ना हसुआ, यहाँ एक से एक नहीं संभल रही हो, तीन तीन तीन। अरे एक टमराद पर आज तीन तीन गुनारी बता दबा, लोग बता
जैसे यहाँ पे विवाह बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी गार्जियन लोग भी मौजूद हैं, तो बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के विवाह संपन्न हो सकता है क्या? राम जी के भी विवाह में बारात में जितने गुरु थे, जितने बुजुर्ग लोग थे, जितने भी गार्जियन थे, सब लोग पहुंचे थे। अब उनकी बारी आई। अरे लोग वदेत काहे गारी बता तो बबुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए।